नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं एनएसटीवी बिहार। अररिया जिले में नशाखोरी के खिलाफ अब लोग एकजुट हो रहे हैं। इसी क्रम में काकन पंचायत के बलवा चौक के पास नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। वक्ताओं ने नशा मुक्ति पर अपनी बातों को रखते हुए कहा कि यह हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में युवा पीढ़ी का भविष्य तबाह हो जाएगा। मौके पर मौलाना आरिफ कासमी, मौलाना कासिम नूरी कासमी, मौलाना अफाक, हाफिज मोहम्मद हाशिम, हाफिज मोहम्मद नसीम, मोहम्मद सलीम आदि मौजूद थे। मौलाना, आज की मीटिंग का क्या मकसद है? देखिए, आज की मीटिंग का मकसद ये है कि इस इलाके में जहां मुआशरे की बहुत सी बुराइयां फैली हुई हैं, उसमें एक बुराई नशा का बहुत ज़ोरों पर है। उलमाए किराम और चंद दानिश्वरान ने मिलकर ये मशवरा किया है कि ये जो बच्चे नशा करके बर्बाद हो रहे हैं, ये कोई गैर के बच्चे नहीं हैं या कोई हमारा समाज से अलग नहीं है, ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारा ही भाई है, हमारा ही समाज है। इनको किसी न किसी तरह से समझा कर इस बुरी लत से इनको बचाना चाहिए। इसी बात की गौर व फिक्र के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए और आज की मीटिंग का यही असल मकसद है। मोहम्मद आरिफ कासमी मेरा नाम है और मैं यहाँ जामिया दावतुल कुरान फैटकी चौक का जिम्मेदार हूँ। अल्लाह मुझसे वो काम ले रहा है, इस दुआ पर। क्या आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फिक्र के साथ ये मीटिंग रखी थी यहाँ पे। आज सिर्फ इस मकसद को लेकर के हम लोग हाजिर हुए हैं कि माशरे में जो बुराइयाँ हैं उसको कैसे ख़त्म की जाए, किस लिहाज से कैसे किया जाए, और इस लोगों को जोड़ करके हम चाहते हैं कि समाज से जो बुराइयाँ हैं, जो बीमारियाँ हैं, जो बेतरतीबी है, और हमारे नौजवान नस्ल जो अपने रास्ते से भटक रहे हैं, उसको लेकर के, मिशन को लेकर के हम लोगों ने आज मीटिंग रखी है। इंशाल्लाह इसको हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। कौम हमारी साथ देगी, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे कोई चाचा है, हमारा कोई दाव है, इसी तरह हम इस माशरे को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इसको लोगों की भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इनका तआवुन मिलेगा, इनके तआवुन की वजह से हम इसको कामयाबी के मरहले तक गुजारेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने कोई संस्था के द्वारा ये मीटिंग रखा है? नहीं, अभी कोई संस्था हमारी नहीं, हम लोग इंडिविजुअल कर रहे हैं और संस्था की ज़रूरत भी नहीं है। हम तो एक लोगों को बेदार करना है, संस्था कोई नहीं हमारी, हम अपने इंडिविजुअल तरीके से कर रहे हैं। मौलाना आरिफ साहब हैं, ये जामिया दावतुल कुरान से हैं, गुजरात में ये शेखुल हदीस हैं, मैं हूँ, मैं दिल्ली रहता हूँ, लेकिन जब घर आता हूँ तो मुझे कुड़हन होती है यहाँ के लोगों को देखकर, यहाँ के बच्चों को देखकर के। उस फिक्र की वजह से हम ये काम को ले गए। हमारे एक बैतुल इस्लाम के नाम से हमारा इदारा है जो ये हाफिज हाशिम वगैरह यहाँ उस पर काम करते हैं, जैसा कि पहले भी आप कई प्रोग्राम में आ चुके हैं। बहरहाल हमारा मिशन यही है कि लोगों को माशरे से जो बेतरतीबी है उसको, जो माशरे की जो बीमारियाँ उसको ख़त्म करना है, ये मकसद आज की मीटिंग का यही मकसद है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद कासिम नूरी अल कासमी। हमारे इलाके में जो नशीली अदवियात का कारोबार काफ़ी ज़ोरों पर है और हमारे नौजवान भाई जो हमसे रूट करके अल्लाह और रसूल के रास्ते को छोड़ करके नशीली अदवियात को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग प्यार मोहब्बत से ये चाहते हैं कि वो भी जो है राह रास्ते पे आ जाए और इन तमाम चीज़ों को छोड़ दे, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। अगर वो नुकसान उठाएंगे तो फिर हमें भी नुकसान होगा। तो एक पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए जो लोग पीते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस मीटिंग से आहिस्ता आहिस्ता ये मामला ख़त्म होगा।